सॉरी मेरे पैर पे थप्पड़ मार गया है। तो नीचे कमेंट करके देखना कैसे लगी है मेरी वीडियो। और रे को जो पेट लगाया बहुत वो हंस रहा था। और काफी लोग हमसे पूछते हैं कि यशिका के बालों में हम शैम्पू कौन सा यूज करते हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। और ओए पैर की जो हालत हो रखी है ना, दर्द हो रखा है बहुत गंदे वाला। अभी सुबह सुबह उठा, मेरे को लगा था कि रात में ठीक हो जाएगा, लेकिन रात में तो और सूज गया है। तो आज मेरी जो सारा सब कुछ है, मैं हिला ही नहीं हूँ अपने बेड से। खाना पीना सॉरी सॉरी मेरे पैर पे थप्पड़ मार गया है। अभी देखते हैं पूरे दिन में दर्द वर्द कैसा रहता है। अगर पूरे दिन में दर्द ज्यादा रहा और दर्द बढ़ गया तो आई विल गो फॉर एक्सरे। भाई क्या है, क्या चक्कर है, कुछ टूटा उटा तो नहीं है? आवाज तो आई थी कड़क कड़क, लेकिन अब पता नहीं। ये देखो अबे मेरे पैर पे मत थे। ओ भाई मुड़ते ही हो रहा है भाई। हम तो बहुत दूर बैठे हैं। तुम तो दूर बैठे, लेकिन मेरे पैर में मोड़ रहा था ना। हेलो मम्मा, क्या कर रहे हो आप? अनार निकाल रहे हो ब्रेकफास्ट के लिए? ब्रेकफास्ट आप लोग कर चुके हो? हाँ, पापा की मदद चाय तो ले चुके हैं, लेकिन अब अनार आप सबके लिए, आपके लिए, शोरी के लिए, पापा के लिए, चाचू के लिए। शोरा को अभी मिल गया और अभी पापा भी वहीं पे रेस्ट कर रहे हैं। शोरी अनार छोड़ दिया आपने वहाँ पे? अनार खाली बताओ, ये भी आया ब्लॉगर, छोटा ब्लॉगर, आप भी ब्लॉग बनाओगे? यहाँ पे यमी यमी अनार बन चुका है पापा का। पापा को देख के आए शोरी? चलो ये अभी पापा को देख के आएंगे। और पापा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। पापा लो आपका ब्रेकफास्ट। दर्द हो रहा है क्या अभी भी? अरे खिलाऊंगा खिलाऊंगा, अबे सारा नहीं दूंगा। वो अब ऐसे शोर ऐसे जबरदस्ती करता है क्योंकि इसका थोड़ा खत्म खत्म हो गया। कटोरी लेके आओ, देखो आपने गिरा दिया। इसलिए गाइस अभी क्योंकि मैं बना रही हूँ ना, तो नीचे कमेंट करके देखना कैसे लगी है मेरी वीडियो, अच्छी है या नहीं। तो अभी मैं मौसम का बताने आ रही थी। यहाँ पे पता नहीं मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रखा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लोजली, जो आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स शेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये वाला शेक करने लग रहा है। लेकिन आज अच्छा है वेदर, क्योंकि धूप निकली हुई है। धूप भी निकल रखी है, लेकिन विंडी भी है। तो यहाँ पे मैंने पेंटिंग का सामान निकाल रखा है। मम्मी तो आप बताओगे? तो बेटी की बुक निकल जाती है, तो भी पेंटिंग निकल जाती है, छुट्टी हाँ। हो रहे हैं। आप बताओ मैं आज क्या बना रही हूँ? यशिका वांटेड टू मेक अ ईस्टर पिक्चर, ईस्टर को पेंट करके। तो एक तरफ यशिका का पैर, शोरे के हाथ, और उससे कुछ ऐसे बनी टाइप बना देगी, बीच में उनके एग्स होंगे। हाँ वो भी बनाएगी ग्रे और येलो पेंट। हाँ शोरी यू रेडी? Mummy, you ready? Yeah. And I'm even ready. ये है अभी तक जो हमने पेंट किया, शोर्य का हैंड और यशिका का राइट फुट, शोर्य का हाथ। कितना टिकल कर रहा था ना शोर्य को जो पेंट लगाया, बहुत वो हंस रहा था। तो ऐसे काफी टिकल हो रहा था उसको। और फिर जब उसने हाथ रखा ना, तो एक बार यहाँ तक हाथ रखा और फिर उसको फिसल गया, मतलब ऐसे नीचे हुआ हाथ, तो यहाँ तक इतना ही लंबा, इतना जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये लंबा उसका फिसल गया, हाथ तो यहीं तक था, तो ये थोड़ा सा लंबा बन गया। लंबा बनी बनेगा अब हमारा नोची। तभी यशिका इस पे बाकी पेंट वेंट करके इसको करेगी डिजाइन कुछ अभी, फिर पूरा बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक जब तक यशिका ये करेगी, आई मेक लंच। कई दिन हो गए ना अब तो वो नहीं बने, पापा के शाही गुलाब नहीं बने। हाँ और यहाँ पे हमारे पुलाव रेडी हो चुके हैं। इसमें मैंने डाली थी सारी जो भी सब्जियां भी घर में अवेलेबल थी, स्वीट कॉर्न, मटर, थोड़े से आलू, और यशिका को क्या बोलते हैं इनको, सोया वड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो वाली सोया वाली वो डाली हैं बढ़िया। और प्याज, टमाटर, आलू बोल दिया मैंने, चावल और बोल कर भूख लगी, शोरे को भूख लगी, और साथ में फिर सैलेड है थोड़ा। तो अभी राजीव को डाल के देते हैं पहले, फिर बच्चों को खिलाते हैं। क्या आप किसको डांट रहे हो बाबा? नहीं 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 क्या है ये? ये गोदी ले लूं?
तो यहाँ पे अभी खाने का टाइम हो चुका है। मम्मी ने आज पुलाव बनाया, पुलाव और यहाँ पे सोया बीन्स भी डाल रखे हैं। They're not beans, they're just soya chunks. Okay, soya chunks और दही बना रखा है और यहाँ पे क्यूम्बर है। शुरू क्या हो गया? ये कह रहा है कि अच्छा लग रहा है क्या पापा? तो यहाँ पे अभी मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, एक ब्लू और एक रेड, दोनों स्पार्कली स्पार्कली है। और अभी दूसरे वाले रूम में शोर्रा सो रहा है और मम्मी और पापा सारे। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों बना रही हूँ आज व्लॉग, क्योंकि पापा के लग रखी है ना इसलिए। और आज फट से धूप निकल चुकी है, वहाँ पे दिख रहा होगा धूप निकल चुकी है और अच्छा लग रहा है। अब तो मौसम, पहले तो बादल बादल हो रखे थे, अब तो बादल बादल नहीं है। लंच करने के बाद श्योटा को सुलाने जब गई तो थोड़ी देर श्योटा के साथ मैं भी सो गई थी। आई डोंट नो व्हाई आई वाज टायर्ड, सो गई उसके साथ। अब फिर रेडी होके आ गए हैं नीचे और राजीव से पूछते हैं कि राजीव कैसे हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल? राजीव के हाल चाल, राजीव अपने पैर को संभाल रहे हैं, नींद लेकिन इतनी गहरी नींद आई ना, हो बहुत ही गहरी नींद आई। हिले हो इस सोफा से? नहीं, सोफा से नहीं, क्योंकि पैर राजीव नीचे आ गए थे सुबह ही कि ये मतलब नीचे यहाँ पे फिर भी थोड़ा एक धूप वूप भी दिखती है और फिर टीवी भी है तो टाइम पास होता रहेगा। और पता है क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? नीचे जब प्रेशर, अकेले इस पैर पे प्रेशर नहीं रखे जा रहा, ये पैर तो चलो ठीक है चलने चलते वक्त है ना, जब इस पे प्रेशर रख रहा ना पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली पैर तो एक रोटेट होता है, एक के ऊपर प्रेशर एक के ऊपर नहीं, तो ये पूरा दर्द हो रहा है। शायद एक दो दिन दर्द होगा, पता नहीं। बाकी अगर मुझे कल तक दर्द में आराम नहीं मिला ना, तो आज जाना था हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए कि भाई कोई टूटी टाटी हड्डी तो नहीं है। बोला था राजीव को अगर मन की तसल्ली के लिए करवा लेते हैं एक्सरे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज देखते हैं एक दो दिन और, अगर दर्द ठीक हो गया तो फिर एक्सरे की जरूरत नहीं है। एक्सरे में क्या वो भी आ जाती है क्या, अगर मसल वगैरह कोई ब्रेक हुई है तो? पता नहीं, अब मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। हड्डी ब्रेक का तो आ जाएगा, हड्डी का तो आ जाएगा, दूसरा भी लिगामेंट वगैरह का भी उनको पता लग ही जाता होगा उसमें कि लिगामेंट ब्रेक हो गया। लेकिन कहते हैं लिगामेंट ब्रेक हो जाता है तो ये लटक जाएगा ऐसे। आई डोंट नो, नहीं लिगामेंट तो जैसे घुटने वगैरह का भी हो जाता है। लिगामेंट पता क्या होती है? रबड़ सी होती है ऐसे। हाँ, वो हट, वो रबड़ सी, तो कह रहे हैं लिगामेंट कभी वापस नहीं जुड़ता अपने आप, क्योंकि रबड़ सी होती है वो तो ऐसे जुड़ेगी और वो हट गया रबड़ तो वापस फिर से न्यू लगाना पड़ता है या फिर नई लिगामेंट लगानी पड़ती है। ओके, जो जिम करते हैं उनका हो जाता है ज्यादातर। अभी यहाँ पे शोर रहे, ब्लॉक्स के साथ खेल के गया था और अभी बच्चे वहां पे दोनों क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं भाई, मेरी बच्चा पार्टी। ओके, ये फ्लोर पे क्या हो रहा है भाई, है क्या मस्ती हो रही है? चीकी मंकी यहाँ पे। दीदी पापा के लिए नट्स डाल रहे हो क्या? है? पापा के लिए नट्स डाल रहे थे, मैं डाल रही थी फिर बीच में उधर मुझे ध्यान आया कि व्लॉग तो बना ले, हमारे फ्रूट सारे फिनिश हो गए हैं तो देखते हैं आज जाते हैं शॉपिंग के लिए। इन दोनों बच्चों को ले जाऊंगी, राजीव को भी और रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा। और काफी लोग हमसे पूछते हैं कि यार यशिका के बालों में हम शैम्पू कौन सा यूज करते हैं, तो हम मैट्रिक्स के शैम्पू यूज करते हैं और उसमें फिर रोटेट करते रहते हैं कि उनकी जो अलग अलग वेराइटी है वो ट्राई करते हैं। पिछली बार जो हमने लिया था वो था, तो ये जो अभी हमने मतलब नियरली फिनिश होने वाला है फूड फॉर सॉफ्ट हाइड्रेटिंग शैम्पू, ऐसा इसी का कंडीशनर भी था तो वो हमने अभी अभी नियरली फिनिश किया है। अब हमने ऑर्डर किया था फिर मेगा स्लीक जो वेरियंट है इनका, ये वाला ट्राई करके देखेंगे। वो स्वीटनेस है क्योंकि स्विमिंग वगैरह करने के बाद यशिका के बालों में ना थोड़ी सी ऐसे रफनेस आ जाती है और मेरे भी बालों में क्योंकि ट्रीटमेंट हो रखा है मुझे भी स्मूथनेस वाला शैम्पू चाहिए था, तो ये हम दोनों को सूट करेगा इसलिए ये वाला लिया है अभी। और आपने क्या किया बेटा जब हम ऊपर थे? मैंने ड्रॉइंग की, शुरू ने एक पेंटिंग की थी मेरे साथ आज, वो मैंने उसके ऊपर डेकोरेशन की थी और मैंने ये टैटू बनाया। ओ नाइस सा टैटू था आपका, आपकी ड्रेस से भी मैच कर रहा है। येलो और ग्रीन। आपकी हेयर क्लिप ना टेढ़ी हो गई है ऐसे वेट से। और अभी यहाँ पे चाय अभी रखी है मैंने, उबल गई है, दूध डालते हैं इसमें। चाय हमारी रेडी हो चुकी है तो राजीव के लिए डाल दिया मैंने, ये मैंने घर पे ही बनाए थे। ये है पफ्ड राइस, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसे सोटे करके डाल दिए थे तो वो है, प्लस साथ में मखाने उनको भी हल्का सा रोस्ट करके, हाँ ये भी सॉरी रोस्ट करके सारे ड्राई फ्रूट्स पफ राइस वो सब किया था और इनको भी ड्राई रोस्ट किया था घी में थोड़ा सा और थोड़ा सा फिर नमक मिर्ची वगैरह डाल के। ये मैंने अपने सीरियल्स के साथ ही इधर ये रखे हुए हैं, देखो सीरियल्स ओट्स और विटामिक्स मिल ली और फिर पफ राइस। ये है चिवड़ा पोहा, ड्राई पोहा जिसको बोलते हैं वो, और ये फिर ये कि बाहर से इतना फिर स्नैक्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती,
चाय के साथ ऐसे घर के स्नैक्स चलते हैं, लेके चलते हैं राजीव के पास। चलो शौरी बाबा, शौरी बाबा पूंछ बन के मम्मी के साथ ही रहते हैं सारा टाइम। मोज हो रही है। और ये क्या, वो सर देख रहे हो क्या? ये तो देखी थी राजीव आपने, पूरी का देखी है, देखी हुई है ये वो मूवी देख रहे हैं सर धनुष की, देखी थी हमने पहले। वो इनका प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आता है, इनके फिर स्कूल तोड़ देते हैं। साउथ इंडियन मूवीज पे आ गए अब आप लोग। क्या तूफान मचा रहे हो तुम। और यहाँ पे ये हमारा सोफा हमने उल्टा करके रखा हुआ है क्योंकि इसकी ना एक लेग यहाँ वाली जो है वो पता नहीं निकल गई टेढ़ा, क्या मामला हुआ, तो ये गिर सा गया था, मतलब तो ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो गया था एक तरफ से, तो हमने ऐसे टेढ़ा करके रख दिया है ताकि बच्चे ऐसे उसमें ना कूदे। और कहाँ के लिए टीम रेडी हो गई? दो तीन जगह के लिए, एक तो इंडियन स्टोर से थोड़ी सब्जियां लेके आनी है, और वो ये होता है कि हर 15 दिन में जाके एक बार जो भी ग्रीन सब्जी होती है वो लेके आते हैं, तो वो लेके आनी है। फिर शक्कर खत्म है, शक्कर अजवाइन जीरा ये सब खत्म है, तो वो लेके आना है। फिर वहीं पर रास्ते में पार्क पड़ता है, तो थोड़ा 15-20 मिनट इनको वहाँ पर निकालेंगे। तो आज पूरा दिन घर पे वो अपनी फोटो देख देख के खुश हो रहा है, डंगू अपनी फोटो देख के खुश हो रहा है। तो थोड़ा वो थक जाएंगे वरना, क्योंकि पूरा दिन घर पे थे तो इनकी एनर्जी यूज नहीं हुई है। पापा को कभी आपने ऐसे लेटे हुए देखा है इतना? कब देखा है? बकवास कर रही बोलिए था, एक्सपेक्टेड ये होता है कि ये बोले कि नहीं देखा मैंने, और कह रही हाँ कब देखा बेटा, ऐसे तो मैं कभी लेटता ही नहीं बेटा, मैं काम करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। थोड़ा दूध दूध लेके आएंगे, तब तक आप रेस्ट करो ठीक है। रेस्ट, हाँ यार चलते वक्त है ना दर्द हो रहा है। चलो मत चल क्यों रहे हो, आपको सब कुछ तो ला के दे, लेकिन चलना फिर भी थोड़ा बहुत तो, नहीं तो पैर वो हो जाएगा ना। सुन बाथरूम के लिए उठे थे, अब बाथरूम पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ शोरी बाय, दिखाओ ये किसकी फोटो है, दिखाओ दिखाओ, आपकी फोटो देख रहे हो, इसी को देख के खुश हो रहे हो। अच्छा नमस्ते कैसे करते हैं? ये मैं इसे बाहर ले जाता हूँ सुबह, मैं बोलता हूँ सूरज को नमस्ते कर दे, सूर्य देवता को नमस्ते करो, नमस्ते करता है बढ़िया। पड़ोसी वो के लिए जब गए थे सुबह, हाँ। पड़ोसी थे कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने बोला हाय शोर रहे, कुछ नहीं धीरे से बोला मैंने इसको, मैं शोर रहे बाय बाय, और कुछ नहीं आता इसको, भी बाय बड़ी अच्छी करनी आती है, बाय कर देगा बाय बाय। वो तो उस पे था, एयरप्लेन मोड पे था। अच्छा बाय कर दे सबको, बाय कर दे, बाय कर दे सबको, बाय कर दो पापा को, बाय कर दो, लेट्स गो शोरी बाय, ओके बाय। वो रख दिया फोन, चलो बाय फोन से बाय। और फ्लाइंग किस, और ये बताओ कि एलिफेंट कैसे करता है, कर चाल ले तू, ये एलिफेंट बताओ इनको, दीदी को तो बुलाओ, फोन फेंक के मारा कि बाहर जाने के लिए मस्त रेडी हूँ। तो अभी वो गए पार्क में, मैं थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, और जब किसी चीज़ पर लग जाती है ना तब पता लगता है उसकी रियल वैल्यू, तो अब मुझे पता लग रही है कि फिर पैर की, क्योंकि यार छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना काफ़ी टाइम लग रहा है इधर से उधर पहुँचने में, मैं वॉक कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। तो इसलिए जो भी आपके पास है ना लाइफ में ये चीज़ हमेशा होना चाहिए, बी ग्रेटफुल फॉर इट, चाहे वॉट एवर इट इज़, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके पास रहने के लिए घर है, चाहे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, चाहे आपके पास जो भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास है, आप दूसरों को देखो कि भाई उनके पास वो चीज़ नहीं है। अब पैर की चीज़ बहुत सारे हम कई बार ऐसे देखते हैं लोगों को जो स्ट्रेचेस लेके चलते हैं या फिर वैसे, हम वो फील नहीं कर पाते जब चीज़ें, लेकिन अब जब वो पैर में दर्द है ना तो वो फील हो रहा है कि भाई हाँ कितनी इंपॉर्टेंस है हर पार्ट की, बॉडी के हर पार्ट की, अगर आपकी एक उंगली में लग जाए तो भी वो है। तो बी ग्रेटफुल है हर रोज, है ना, मुझे लगता है पर्सनली। और जब ऐसी चीजें लगती है जब आप लेटे रहते हो सारे दिन बेड पे, तो आपको ये चीजें और ज्यादा रियलाइज होती हैं, तो रियलाइजेशन जो है आपकी और ज्यादा स्ट्रांग होती है कि भाई बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल क्या हो, कल हो ना हो, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो इसलिए हमेशा पेरेंट्स के साथ रहते हो तो डू इंजॉय दोज मोमेंट्स, डू स्पेंड गुड टाइम विद देम, बच्चों के साथ हो तो डू स्पेंड गुड टाइम विद देम, अगर आपके पास आपकी बॉडी ढंग से काम कर रही है तो लुक आफ्टर इट, हमें करना चाहिए। तो मैं तो वैसे करता ही हूँ, जिम में ही हुआ है, मतलब जिम नहीं कर रहा था लेकिन जिम की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो लेकिन कोई नहीं, मुझे लगा मैं आपके साथ ये थॉट जो मेरे दिमाग में आया उसको शेयर करूं, तो नहीं तो मैं पार्क में जाता उनके साथ भी, मैं सुनना कि घर में रुकने वाला हूं, मैं पार्क में जाता लेकिन मैं गया नहीं। चलो कोई नहीं, मैं वॉक कर लेता हूं अपनी, कंटिन्यू करता हूं, उसके बाद मिलते हैं, बात करते हैं आपसे। ये प्लांट्स हमारे जो है ना अच्छा करने में लगे हुए हैं यहाँ पे, अब समर आ गई ना तो समर में देखना। यार ये पत्ता मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चक्कर है ये, बहुत दिनों का निकला, अरे ये बेचारा टूट गया। सोनिया मैंने तोड़ा कभी वीडियो में देखो, और मैंने तोड़ा हो ये, यार बिल्कुल ही वो था नाजुक,
इसको शायद पोट छोटा है, क्या चक्कर है ये भाई? तो पत्ता हाथ में आ गया मेरे, इसीलिए ग्रो नहीं कर रहा था ये, क्योंकि टूटा हुआ था बेचारा, ये किसी ने तोड़ गया चिपका। ओके नाइस। ये शोर रहे के, ये शिका की किचन थी, ये शिका इस किचन को यूज करती थी काफी, खेलती थी जब छोटी थी, अब शोर रहे खेलता है। लेकिन शोर रहे हमारा पता है, शोर रहे को ये चाहिए होता है और पूरा पूरा बस फेंकना होता है, उससे ज्यादा उसकी कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इसको खेलना है, इसको इसमें से सारी चीजें बाहर होनी चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद ही विल डिसाइड कि ही विल प्ले और नॉट। वापिस आ चुके हैं ये, और वापिस आते ही शोर रहे हैं मम्मी के जूते खोल रहा है, मम्मी निकाल ले, लेकिन आए हुए तुम्हें काफी टाइम हो गया। ये लो अंदर रख देना प्लीज, थैंक यू। ये लो रख दो अंदर, कहाँ रखने हैं? जूते निकलवाए हैं मम्मी के, खुद के तो निकाल ही दिए, रखो कहाँ रखने हैं? बनने में लगा हुआ है भाई, क्या बन रहा है डिनर में? डिनर में पहले तो सोचा था कि बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन फिर लेट सा हो गया था, तो मुझे लगा फटाफट बना देती हूँ, तो मैंने बनाई है सूखे आलू की सब्जी, जीरा आलू की सब्जी, नाइस, दाल चूरमा, और इसलिए भी कि चूरमा के साथ दाल अच्छी लगती है तो चूरमा बनाऊंगी साथ में। और क्या है, चूरमा जरूरी भी है ना, पैर में लगी हुई है तो रिकवरी के लिए, इसीलिए वो बैंगन के साथ खाया नहीं जाता। लेकिन यार रिकवरी तो जब किसी खून वून निकलता है तब जरूरत होती होगी इन चीजों की, इंटरनल इंजरी के लिए थोड़ी ना जरूरत होती होगी। अच्छा मेरे को ये सोनिया और जस्सू है ना, मेरे को बोलते थोड़ा बहुत मांस वास होता ना तो वो सहन कर लेता बैंड होना, क्योंकि आपको गदम गदा है नहीं, हड्डियां है सारी, इतने पतले हो, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे को फिर अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा। तोड़ो इसको, हाँ तूने गिराया है, खुद नहीं गिरा है, ये लो यहाँ पे रख देते हैं। नो आउच हो जाएगी, घर की सिचुएशन ऐसी है थोड़ी, सूजा हुआ है पूरा, ठीक है, लेकिन ये देखना वो तुरिया तो अच्छा सूजा हुआ है। ओए भाई तू मत छेड़, तू मत छेड़, ये वाला पैर ऐसे है और ये वाला पैर देखो पूरा सूजा हुआ है। बस ये कि अभी मैंने कोल्ड वो लिया है, आइस पैक लगाए थे, तो मेरे को चलने की हिम्मत होगी, गोदी ले लूं। यहाँ पे मम्मी अभी चूरमा बना रही है, अभी हमने डिनर भी कर लिया, तो अब मम्मा चूरमा बना रही है, तो अभी मम्मा डिनर बना रही है, डिनर के साथ साथ में चूरमा भी बना रही है। आज पता नहीं इतना सारा घी डाला, इतना पापा को एक्स्ट्रा चाहिए ना बेटा, आज इसलिए एक्स्ट्रा डाला है पापा के लिए। हाँ। वैसे तो मेन तो घी में ही बनता है, लेकिन हाँ। आज थोड़ा और हमने एक्स्ट्रा किया है, ये पूरा पतीला खाली कर दिया हमने अपने घर पतीला भी। लड्डू शक्कर डालो बेटा, ठीक है। शोरी बाबू सोने जा रहे हो क्या आप? शोरी टायर्ड हो गया, चलो लेके चलते हैं मेरे बेटा को, अभी टायर्ड होगा मेरे बेटा, आज पार्क में बहुत खेला मैं। और यहाँ पे अभी मैं मेरे बेकिंग बुक में देख रही हूँ कल क्या बना सकती हूँ मैं, और मम्मी ने आपने क्या सजेस्ट किया मम्मा? समथिंग सॉल्टी, नॉट स्वीट एवरी टाइम, दैट्स व्हाई पिज्जा मफिन्स। यस पिज्जा मफिन्स, ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसलिए ये वाला बनाऊंगी। खाना रेडी हो चुका है। ओए चाचू कहाँ है? चाचू अभी संजीव चाचू को लेने गए, वो अभी इंडिया से वापस आए हैं यूके। तो इंडिया से कौन वापस आ गया है भाई? चाचू एंड माय रू, दे आर बैक टुडे, तो जस्सू लंदन गए थे उनको पिक करने के लिए, अभी ड्रॉप करके वापस आ रहे हैं। चलो ठंडा हो जाएगा डिनर, डिनर करवाओ। लेकिन एक महीने बाद उसका रिएक्शन कैसा होगा मायरू का, मायरू जब मिलेगी जब उससे पूछेंगे, और संजीव का, संजीव कह रहा था कि इतना पता नहीं लग रहा कि एक महीने अलग रह के आओ ना इस कंट्री से, इतना नहीं पता लगता वैसे, हाँ जब फील नहीं होता इतना, इंडिया भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यहीं पे रहते हैं हमेशा, यहाँ आते हैं तब भी ऐसे ही लगता है, पता नहीं पहले बचपन में जब स्टार्टिंग में एक दो बार आओ ना तब वो फीलिंग होती है, बाद में जब रेगुलर आना जाना होया है तो इतने उस चीज में फील नहीं होता। तो फाइनली वो एक महीने की पूरी छुट्टियां काट के इंडिया में वापस आया है। तो ये है मेरा आज का डिनर स्पेशल, दाल आलू की सब्जी रोटी, ये है मेन चूरमा, खाओगे चूरमा बनोगे सूरमा, देसी घी का, देख देसी घी चूरमा मतलब तकड़े पहलवान, ठीक है, घी देखो वाओ, ठीक है, और ये सैलड है। सोनिया क्या चल रहा है? कुछ नहीं, इसको देख रही हूँ, तो हेलेन कोबेन की नॉवल पे बेस्ड है सीरीज इनोसेंट, वो देख रही थी। अच्छा, और बाकी कहाँ गए बच्चे? बच्चे सब छो गए, बच्चों को सुलाया ही, सब हो गया, जस्सू भी वापस आ गए, आप भी जा रहे हो सोने? हाँ मैं ये बस फिनिश होने वाला है फिर जाऊंगी सोने। तो इस व्लॉग का एंड आप कर दोगे? आज का व्लॉग तुमने ही बनाया, ज्यादातर कोशिश की है कवर करने के लिए, सारा तो नहीं कर पाए क्योंकि हम लेके नहीं गए थे बाहर फोन,
बस यही है, आज तो हमने घर पे ही थे ज्यादातर, बच्चों को थोड़ा सा बिजी करने के लिए बस तब बाहर गए थे। बाकी देखते हैं कल सुबह तक राजीव के पैर का क्या हाल रहता है, एक्सरे के लिए जाना पड़ा है या दिखता है, होपफुली ठीक हो जाए। तो आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। गुड नाइट।